एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक सब्जी बेचने वाला रहता था। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था। वो किसी तरह सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी इमली से कहता है, इमली, मैं बहुत ही खुशकिस्मत आदमी हूँ। मैं जितना भी कमाता हूँ, तुम उसी में पूरी परिवार का ख्याल रखती हो। आप जितना भी कमाते हैं, उन्हीं पैसों में परिवार का ख्याल रखना, यही तो मेरा फर्ज है। और हम चाहते हैं अपना बेटा बंटी पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़ा हो जाए। एक दिन बंटी स्कूल से वापस आता है। माँ, मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। बंटी बेटा, तुम्हारे पापा सब्जी बेचकर तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बन जाओ। माँ, मैं अभी पढ़कर आया हूँ, आप चाहते ही नहीं है मैं बाहर खेलने के लिए जाऊँ। बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जाओ लेकिन जल्दी खेल कर आ जाना। बंटी खेलने के लिए चला जाता है। वही इमली वीर के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अब बंटी बड़ा हो जाता है और एक अच्छी ऑफिस में नौकरी पे लग जाता है। एक दिन इमली कमरे में बैठी थी, फिर वहां पर बंटी आके कहता है, माँ जल्दी से हॉस्पिटल चलिए, पापा का एक्सीडेंट हुआ है। फिर बंटी और इमली हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँच कर इमली वीर से कहती है, ये सब क्या हो गया, आपकी हालत ऐसी कैसी हुई? क्या बताऊँ इमली, एक बच्चा कार के सामने आने वाला था, मैं उसे बचाने गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसी समय डॉक्टर आकर इमली से कहता है, सुनिए बहन जी, आपके पति अपाहिज हो गए हैं, कब तक ठीक होंगे ये बता नहीं सकता मैं। ये सुनकर इमली परेशान हो जाती है। बंटी बेटा, तेरे पापा तो बिस्तर पर बीमार पड़ गए हैं, अब सब कैसे होगा, अब तो सिर्फ तेरी कमाई का भरोसा है। देखो मम्मी, मेरी अभी अभी नौकरी लगी है, मैं घर का और हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। बेटा, ये तू क्या कह रहा है, हमने तुझे इसी चीज के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तेरे पापा ने सब्जी बेचकर तेरी पढ़ाई पूरी करवाई, आज तू हमें ताना मार रहा है। तू रहने दे, मैं ही कुछ करती हूँ। अगले दिन इमली सब्जी बेचने के लिए जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो, जरा मुझे 1 किलो आलू देना। जी बहन जी, देती हूँ। अब इमली सब्जी बेचकर अपना और अपने पति का खर्चा उठाती थी। अब धीरे धीरे वीर भी ठीक हो जाता है। ये देखकर इमली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह से वो लोग खुशी खुशी रहते हैं।